बात सुनो, फर्स्ट रूल में हम लोगों ने लिखा था इधर 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 बात सुनो, कहा गया था पुट द गिवन इक्वेशन, सारे लोग वर्किंग रूल एक बार फिर से सुनो, फिर सवाल लगा देते हैं, पुट द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म d2y dx2 + p dy dx + Q y = R। सबसे पहला आप काम कीजिए कि आप अपने दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म कीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि जो आपका d2y dx2 सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, पहली बात ये थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा था फाइंड एन इंटीग्रल u। अब आप एक इंटीग्रल u निकालिए जो आपके cf का हिस्सा है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का हिस्सा है। कैसे निकलेगा? बेसिकली तीन टाइप है, कौन कौन से? दो या तीन टाइप, कितने? बेसिकली दो टाइप, पहला x टू दी पावर n का और दूसरा e टू दी पावर as का। उसी के अलग अलग केस लिखा के गए। अगर 1 प्लस p प्लस q बराबर 0 हुआ तो u बराबर e टू दी पावर x है, 1 माइनस p प्लस q 0 हुआ u इक्वल टू e टू पावर माइनस x है। ऐसे केसेस हैं, तीन केस हो टोटल, जनरली केवल दो केस। और वैसे तो ये ऐसे तीन तीन पाँच करके बना दिए गए। उसके बाद कहा जाता है जब आपको u मिल गया, u आपके cf का हिस्सा, तो आप अपना कंप्लीट सॉल्यूशन मान लीजिए y बराबर u इंटू v, क्योंकि u cf नहीं है, u cf का हिस्सा है, तो इसका मतलब अभी भी कुछ कमी है। उस कमी को पूरा करने के लिए एक अननोन क्वांटिटी v का मल्टीप्लाई मान लेते हैं, ये पूरा होगा y = u * v। एक बार y बराबर u * v हो गया तो जो तुमको dy dx और d2y dx2 नजर आ रहा है उसको कन्वर्ट कर दो d2v dx2 में। कन्वर्ट करने का कल पूरा मेथड दिखा दिए थे कैसे कन्वर्ट होगा, आपका इक्वेशन चेंज हो जाएगा। इक्वेशन देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है d2v dx2 + ब्रैकेट के अंदर में p + 2 / u du dx ब्रैकेट के बाहर dv dx = r / mu, जहां पर mu कोई एक क्वांटिटी रही होगी। इसके बाद जो आपका dv dx है उसको आप q मान लो, मतलब पहले हम लोगों ने इसको एक बार कन्वर्ट किया, उसके बाद हम इसको लीनियर में लेकर के जा रहे हैं। अब लीनियर में ले जाने के लिए dv dx की जगह पर q रख दो तो d2v dx2 की जगह पर क्या आ जाएगा, dq dx। नाउ इट इज लीनियर, और लीनियर हो गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकाल के जैसा भी है वो आप इसको सॉल्व करो। कितना था? इतना सॉल्व करने के बाद जब पूरा आ चुका है तो वो आंसर आएगा क्यू में और आर, आंसर आएगा क्यू में और आर। अब आप क्यू की जगह पर वापस पुट कर दीजिए डी की डी एक्स, और वेरिएबल से वेरिएबल वापस अप्लाई कीजिए, जो भी मेथड लग रहा है, जो भी लगेगा उस समय उसको लगा करके हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन निकाल लें। सॉरी बी मिल जाएगा, एक बार बी मिल गया तो बाई बराबर क्यू टू बी मेरा कैसा सोल्यूशन होगा कम्प्लीट, यही टोटल वर्किंग रूल। अब हम न्यूमेरिकल की शुरुआत करने चल रहे हैं, चलो देखिए इसके न्यूमेरिकल लगेंगे। प्रॉब्लम लिखना, प्रॉब्लम है सॉल्व एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, नहीं एक्स प्लस वन डी टू वाई डी एक्स की टू माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री डीवाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस फाइव वाई, एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स। सबसे पहला काम, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर आ रहा है? नहीं, क्योंकि कोफिशिएंट बन नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पूरे पर x + 1 से क्या लगा देंगे डिवाइड का, कितना रीराइट द गिवन इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म सॉल्यूशन, रीराइट द गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म, ये बन जाएगा मेरे पास डी टू बाई डी एक्स टू माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन डी बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वन वाई इज इक्वल टू थ्री टू दी पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस। तीन चीजें मिल चुकी हैं, कैपिटल पी, कैपिटल क्यू और कैपिटल आर, उनको लिख लो। पहले से ही क्वेश्चन नंबर 1 कह देगा,
क्लियर, यहाँ पर कैपिटल पी इज इक्वल टू ये पूरा माइनस के साथ माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन, कैपिटल क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस वन, और कैपिटल आर इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन। चलो एक काम करो, तीनों को छोड़ो, देखो क्या वन प्लस बी प्लस क्यू आपका जीरो आ रहा है, आ रहा है जीरो, वन प्लस बी प्लस क्यू नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा अगर वन प्लस बी प्लस क्यू इक्वल टू जीरो नहीं आ रहा है तो फिर आगे का काम कैसे किया जाए, सोच लो एक बार, हम रुके हुए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं अभी भी। वन प्लस बी प्लस क्यू हम बताए भाई लोग इसको जोड़ा है, अब हम जान रहे थे ना बगलिए उसको रखे रहोगे तो चिपका दोगे आप, केवल किसी के मुंह से बोले वन प्लस बी प्लस क्यू बस, मैक्सिमम लोग किसी तरीके का नहीं आ रहा है, ऐसे गड़बड़ाओगे देखो बी या बी है, बी है वन प्लस बी प्लस क्यू इज इक्वल टू वन प्लस बी यानी कि माइनस इधर लिखते हैं टू एक्स प्लस दो तिहाई छः अपॉन एक्स प्लस वन प्लस क्यू, क्यू का मतलब हुआ एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस वन। ये बताओ क्या इसको अगर सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने पर यह आएगा एक्स प्लस वन या मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन का माइनस टू एक्स प्लस माइनस सिक्स माइनस टू एक्स माइनस सिक्स प्लस एक्स प्लस फाइव और होल डिवाइडेड बाई के सिक्स एक्स प्लस वन। ये बताना माइनस टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स यानी ये ए और ये कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पाँच एक छः और ये माइनस सिक्स कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू कितना, जिस दिन वन प्लस बी प्लस क्यू बराबर जीरो होगा उस दिन यू बराबर ए टू पावर एक्स आपके सी एफ का एक हिस्सा होगा। क्लियर है, इसलिए y is equal to t to the power x is a part of it. बार बार लिखते हैं, असल में y तीन बार लिखा गया ना, मूल में बस गया है, गलत बात है, y को नहीं x को कोण में बसना है, क्यों दिया तो u is equal to t to the power x is a part of complementary function. दूसरी तरफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ रहा हूँ ना, तरफ दिमाग चलेगा इनका, सॉल्यूशन अब हम लोग एक काम करेंगे y बराबर u इंटू बी लिखना, कोटिंग कोटिंग y इज इक्वल टू u इंटू बी इज इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू चाहे तो पहले डी बाई डी एक्स और डी टू बाई डी एक्स निकालो उसके बाद उसको वो ज्यादा बेहतर पड़ेगा, अगर हम यहीं पर रख करके सॉल्व करेंगे पहले पर रखें बड़ा पीछे पीछे होता है, इसलिए अलग से निकालो ठीक ना, डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, चलो एक्स के लिए डिफरेंशिएट करें पहले तो ई टू दी पावर एक्स को छोड़ दो और इसका डिफरेंशिएशन हुआ डी बी डी एक्स
प्लस इस बार बी को छोड़ दो और ई टू दी पावर एक्स का होता है ई टू दी पावर एक्स। अब y का लिखेंगे, y के लिए फिर y इंक्लूड कर दिया, लिखने की गलती कोई b into e to the power x को y लिखने गलती नहीं करता। अब हम y को नाराज कर रहे हैं, अब सब ले आ रहे हैं किसके टर्म में, b के टर्म में और u के टर्म में। डी टू बी डी एक्स की टू प्लस इस बार e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x रहा और ये छूट जाएगा dv dx, तो ठीक है यही रहेगा और क्या होगा e to the power x dv dx प्लस इनका डिफरेंशिएशन लिखना, e to the power x छूटा dv dx और प्लस इस बार भी छूटा e to the power x, यानी दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट d2y dx e2 इज इक्वल टू v to the power x d2v dx e2 plus 2 e to the power x dv dx plus v e to the power x note। और सुनो ये सारी बातें देखो ऐसे लिखते हैं, क्या लिखे हैं, कोटिंग लिखने का तरीका सीखो, कोटिंग y is equal to e to the power x v dy dx is equal to this d2y dx2 is equal to this in equation इन सारे लोगों को उठा करके रख देंगे इक्वेशन नंबर वन। बड़ी दूर तक ये चलते चलते सॉल्व होता है। प्लस 2 dv dx प्लस b माइनस 2
x प्लस थ्री अपॉन x प्लस वन ब्रैकेट के अंदर में डी डी एक्स प्लस बी प्लस x प्लस फाइव अपॉन x प्लस वन बी इज इक्वल टू वन अपॉन x प्लस वन। नोट करो सारे, अब समझने की शुरुआत। अगर हम बाहर करें तो देखो क्या ये लिखा गया है, 2 माइनस 2x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1, क्या यही लिखा गया है? वो हट जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये अपने पास आया 2x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x प्लस 1, 2x और 2x उड़ गया, बाकी बचा केवल और केवल माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस वन, यानी क्या लिख सकते हैं, माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस वन। सारे लोग सहमत हो अपना सबका ट्वीट करके, लास्ट में एक चीज बची होगी उसको भी निपटा दो। बी के हिस्से में आओ, बी के हिस्से में देखते हैं कहां कहां पर मौजूद है। एक तो ये बी है, तो यहां से हम कर देते हैं कितना 1, इनका हाल देखना है, ये दिस इनटू दिस माइनस के साथ, तो माइनस 2x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 ये रहा, और यहां से मिला प्लस, तो प्लस x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1, और पूरे के बाहर कौन मौजूद है, इनका निपटारा देखना, यहां पर मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 का पूरा खत्म हो जाएगा एक तरफ से, x प्लस 1 वास्तविकता में ये बना x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 6 प्लस x और प्लस कितना 5, और बटे में आया x प्लस 1, देखो x x माइनस 2 खत्म, और ये और ये, तो b का टर्म तो रहेगा नहीं, वो खत्म, तो ये बैलेंस हो गया, d b d x वाले टर्म बैलेंस हो गए, b वाले बैलेंस हो गए, ये b बैलेंस हो गया, बचा ये, दिस इज इक्वल टू केवल 1 अपॉन x प्लस 1, बन चुका है। अब हम लोग अगला काम क्या करेंगे, बाकी जो भी याद है, फर्स्ट डेरिवेटिव डी बी डी एक्स को हटा दिया जाएगा, उसकी जगह पर क्यों रख दे, अब समा दिमाग बांधने की जरूरत नहीं है, क्यों रख दो, पी रख दो, टी रख दो, तुम्हारे तो तुम लिखा के लिखाने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए, तो लिखा दिए क्यों रखने का, बाकी तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा मन किया पी मानो, तुम्हारा मन किया टी मानो, तुम्हारा मन किया क्यू मानो, तुम्हारा मन किया आर मानो, जो मर्जी वो मान सकते, बस इतना याद रखना माने क्या लास्ट में, वो भी भूल गए तो गड़बड़ बात है, अथवा या ठीक डी बी डी एक्स इज इक्वल टू पी दिस इंप्लाइज दैट डी टू बी डी एक्स की टू इज इक्वल टू डी पी डी एक्स एबव इक्वेशन, एबव इक्वेशन रिड्यूसेस टू, ऊपर दिया गया इक्वेशन बदल जाएगा, बोलो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, डी पी डी एक्स माइनस फोर अपॉन, भाई क्यों मान लो, हम तो कह अब वो दिमाग बांधनी पड़ी हो, बी इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस वन, सब सब की मानी क्यों मान लो, दिमाग को बोल के डालो क्यों मान के,
अच्छा ये बताओ भाई, अपना नाम बताओ, नाम बताओ, बुला के तभी पूछ रहे हैं, नाम बताओ। निहार का, निहार का ही कार्य था ये, दर क्या है, सामने रखती है और क्या क्या बोल रहा है, दिक्कत तो है। अच्छा ये बताओ क्या ये लीनियर है, क्या ये लीनियर है? अगर ये लीनियर है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? e to the power integration p dx होता है, याद है? तो e to the power integration minus 4 upon x plus 1 dx होगा। आई बात समझ में? किसमें? ये हटा दें, ये सबका हो गया, हटा दें। चलो लाइन लिखो, वो उसके नीचे लिखो विच इज लीनियर इन पी, लिखो ना बाद में यही पता चला कि लीनियर लिखा कि नहीं था, कैसे सॉल्व करती हो, विच इज लीनियर। विच इज लीनियर इन पी जो कि पी में लीनियर है, वैसे बेचारे खत्म होना है, जिनको खत्म होना है ना उनको कुछ नहीं मानते। लिखना, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई ऑफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ए टू दी पावर, इंटीग्रेशन पी डी एक्स होता था, अगर मेन चैप्टर की बात, इंटीग्रेशन माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस वन माइनस फोर को बाहर करो, वन पॉइंट प्लस वन लॉग एक्स प्लस वन, दिस इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस फोर लॉग एक्स प्लस वन, यानी दिस इज इक्वल टू माइनस फोर ऊपर गया, इसका मतलब एक्स प्लस वन टू दी होल पावर माइनस फोर, दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अरे भाई, वन अपॉन एक्स प्लस वन की होल पावर फोर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप बताना गौर करना ये किसमें लीनियर है, पी में, मेन चैप्टर याद करो जहां तुम लीनियर पढ़ते थे, वहां पर डी वाई डी एक्स होता था, वाई में लीनियर होता था, तो वाई में लीनियर था तो लोग लिखते थे वाई गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखते थे, अभी अपने किसमें लीनियर है, पी में, हम लोग लिखेंगे पी गुणे इंटीग्रेटिंग, इस बात का ख्याल रखना। चलो शुरुआत करते हैं, इतना दियर फोर सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसके लिए लीनियर वाले के लिए बोल रहे हैं, दियर फोर सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय, इज गिवन बाय कितना, पी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीधे लिख रहे हैं, वन अपॉन एक्स प्लस वन की होल पावर फोर, ठीक, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, याद आ रहा है इंटीग्रेशन कैपिटल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो कैपिटल क्यू कितना है, वन अपॉन एक्स प्लस वन, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना, वन अपॉन एक्स प्लस वन की होल पावर फोर, साथ में कितना डी एक्स, प्लस एक तो कॉन्स्टेंट जुड़ता था, फोर एंड कर दो, प्लस कितना हो गया, यानी कुल मिलाकर ये हुआ, जैसे इंप्लाइज है पी अपॉन एक्स प्लस वन की होल पावर फोर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन बाई फोर को बाहर, नहीं वन बाई फोर नहीं था, इंटीग्रेशन बाहर एक्स प्लस वन की होल पावर फाइव डी एक्स प्लस सी वन इंप्लाइज दैट पी अपॉन एक्स प्लस वन की होल पावर फोर इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर एक्स प्लस वन की होल पावर फोर प्लस, सही है गलत, सही है लेकिन ना
हमको इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, हमको वैल्यू पी की चाहिए, क्योंकि जब तक पी नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलो पी की वैल्यू निकाल दो, पी कितना आपका ज्यादा कुछ नहीं, एक्स प्लस वन की होल पावर फोर से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, दिस इंप्लाइज दैट पी बराबर बोलो माइनस वन अपॉन फोर प्लस कितना सी वन इंटू एक्स प्लस वन की होल पावर, ये पी की वैल्यू आ। और वास्तविकता में सबको पता पी कौन, पी डीवीडीएक्स, तो आप पी की जगह पर डीवीडीएक्स करो, ये लिखा गया पी इज इक्वल टू डीवीडीएक्स। दिस इंप्लाइज दैट डीवीडीएक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर प्लस सी वन एक्स प्लस वन की होल पावर, क्या वेरिएबल सेपरेबल नजर आ रहा है, एक्स वाले फैक्टर एक तरफ का तो डी वाला अकेला रहो तो तंगाई पार्ट में, दिस इंप्लाइज दैट डी वी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर प्लस सी वन एक्स प्लस वन की होल पावर फोर और डी एक्स, इंटीग्रेटिंग इट, इंटीग्रेटिंग इट वी बराबर बोल भैया कितना होगा माइनस वन बाई फोर एक्स और इसका इंटीग्रेशन कितना, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन आपको दिए गए डिफरेंशियल इक्वेशन का मिल चुका है, पहले पूरा लिखो का पूछ रहे हैं, पहले पूरा लिख वाले लग सकते हैं, वन प्लस बी प्लस हम वैरायटी पकड़ो अलग तरीका
अब 1 plus 3 plus q is equal to 0 नहीं दे, अब अगला दे। देखो ये कुछ आते हैं, देखते हैं, जहाँ जाएगा वहीं पर, हाँ, रैंडमली उठता है, मिल जाएगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा देखा, हटाए इसको पूरा, एक और खराब इसका। जोड़ के बोलिए, पागल।
कितनी मेहनत करवा रही है, मान करके इन खर्चा हो रही है, नहीं देख रहे हैं। टू इंटू ए टू की पावर एक्स डी बी डी एक्स, इसी में अपनी कैलकुलेशन रखे रहती है, प्लस डी ए टू की पावर एक्स। इक्वेशन का सब रखेंगे किसमें, इक्वेशन अब इतना भैया सबको नोट कर लो, तो इक्वेशन नंबर वन में रखना, जिनको आ रहा है वो लोग आगे बढ़ जाए काम करते हैं। इक्वेशन नंबर वन कैसा बदलेगा वो देखिए, डी टू वाई डी एक्स टू रख, यहाँ पर ये होगा डी टू दी पावर एक्स डी टू पी डी एक्स की टू प्लस टू डी टू दी पावर एक्स डी बी डी एक्स प्लस बी डी टू दी पावर एक्स, माइनस वन प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, यानी कि माइनस वन प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, ये मौजूद है ब्रैकेट के अंदर में ए टू दी पावर एक्स डी वी डी एक्स प्लस बी टू ए टू दी पावर एक्स प्लस एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई बराबर हमारे में है ए की पावर एक्स इंटू बी, ए की पावर एक्स इंटू बी और इज इक्वल टू एक्स। हाँ वो बार बार खत्म होता है, लीनियर बनेगा वो बच्चा, करेगा तो थोड़ी सी कर लो। चलो पार्ट बी को चाहते हैं, मेरे ख्याल से एक बार फिर से ए टू दी पावर एक्स हर जगह पर नजर आए, हर जगह वो है। अब यार एक बार दम चल गई, काटना है उसको, काटना है, लगा दिया उसका नीचे ही पावर एक्स की पावर एक्स, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट ए सवाल के पीछे वाले लोगों सवाल करके कुछ किए नहीं है, ये इधर काट के बचा दिए थे, अब कौन मिटाए, तो इधर ए की एक्स से मल्टीप्लाई, ए की एक्स से डिवाइड लगा दिया बस, और वैसे भी जाता उधर ही, दिस इंप्लाइज दैट डी टू डी डी एक्स की टू ये रहा, आओ डी वी डी एक्स को निपटाते हैं, देखना डी वी डी एक्स एक यहाँ पर पड़ा हुआ है और एक यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब प्लस ब्रैकेट के अंदर टू माइनस वन प्लस एक्स डी वी डी एक्स ये रहा, बी वाला टर्म पूरा का पूरा कैंसिल आउट होगा, बी का टर्म पूरा कैंसिल आउट होगा, लगे समय को तो इधर देखा यहाँ से बी मिलेगा, यहाँ से इधर आया अपने पास बी, इसके बाद यहाँ से हाल देखना, यहाँ से माइनस वन प्लस एक्स इंटू बी मिलेगा, तो माइनस वन प्लस एक्स इंटू कितना हुआ बी हुआ, और यहाँ से कितना हुआ प्लस एक्स बी हुआ, अब गौर करना एक्स बी इधर माइनस एक्स बी प्लस एक्स कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ आप चेंज करना सारा सही है, अच्छा ठीक है, ये माइनस बी ये प्लस कैंसिल आउट, माइनस एक्स बी और प्लस एक्स बी कैंसिल आउट, सब वो जीरो हो जाएगा, और बचेगा क्या लास्ट में इधर से केवल एक्स वाई ई पी एक्स एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स, ये बच गया अपने पास, एक लाइन और अगर सिंपलीफाई करना चाहो तो एक लाइन और कर सकते हैं, ये रहा डी टू बी डी एक्स की टू और इसका हाल ये हो जाएगा ये होगा वन माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स डी बी डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई टू दी पावर एक्स। अब अगर हम एक काम और करें डी बी डी एक्स बराबर कितना रखे थे पिछली बार पी, तो भाई पी वापस रखते हैं, ये पी में लीनियर बन जाएगा, इतना सारे लोग नोट कर लो तब हम मिटाएंगे, अरे सब लोग नोट करो
सबका हो गया हो तो बताना। अच्छा क्या इधर का बिठा सकते हैं इस साइड वाला? किसी का नहीं बाकी dx. So equation reduces to dp dx plus 1 minus xp is equal to x upon p to the power x. Equation number 2, which is linear, which is linear in p. अब ऑब्वियस बात है ये p में कैसा हो चुका है लीनियर। तो अगला काम क्या किया है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx यानी इंटीग्रेशन 1 माइनस x dx दैट इज इक्वल टू फॉलो इंटीग्रेट करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक सारे लोग पहुंच जाओ फिर आगे बढ़े बताओ उसको शब्द देख के बाद बताओ चलता है तो चलता रहेगा। पूरा लिख लेना फिर बिठाया जाएगा पहले एक बार सब तरफ कर और मेरे ख्याल से सब लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के इंटीग्रेट करो। अब ऐसे कर पाओ तो वैसे करो, ऐसे कर दो कोई रोक टोक नहीं।
यही ये जो x स्क्वायर बाई टू है इसको t मान लो, चलेगा? x स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू t हुआ, तो 2x dx अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना dt, 2 से 2 कैंसिल आउट, x dx की जगह dt आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करें, एक माइनस x स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू, सॉरी माइनस का केवल और केवल x स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू t, दिस इंप्लाइज दैट x dx इज इक्वल टू dt, ये मेरे पास हो जाएगा, जिसे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन x dx, x dx की जगह पर लिख दिया कितना केवल dt, और e टू दी पावर j कितना हो गया माइनस, और ये प्लस बोलो, आप तो इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेट करने के बाद बोलो आंसर कितना आ रहा है, कितने से शक्ल है माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू आया ना, और अगर p मिल गया तो p कौन है dpdx, यानी दिस इंप्लाइज दैट dpdx इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस c1 e टू द पावर माइनस x प्लस x स्क्वायर बाय 2, अब ये काम करो dx को उधर ले लो, दिस इंप्लाइज दैट dv इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस x प्लस सी वन ए टू दी पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू और बाहर करने बाद डी एक्स, भैया एक काम करो अब इंटीग्रेशन तुम लोग कर दो, इंटीग्रेट करके बताओ उनको आंसर कितना, मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन तुम्हारे बस का है, अभी का सुना अगर तुम्हारे बस का नहीं, इतना सवाल करने के बाद सुनो, इधर निकल मेरी बात सुनो, फिर तुम लोग नहीं सुन रहे हो, इतना सवाल करने के बाद इंटीग्रेशन लगाओ, मेरे ख्याल से पहले फैक्टर का इंटीग्रेशन तो बड़े आसानी से हो जाएगा, दूसरे वाले में दिक्कत आ रही होगी, ठीक है? अगर एग्जाम में ऐसा होता है कि दूसरा वाला तुम पर नहीं इंटीग्रेट होगा, मान लो नहीं हो रहा, जैसे ये हो सकता है, ये बहुत मुश्किल दे देगा तुमको, तुम्हारे लिए पढ़े नहीं होगा तो मुश्किल दे दिया, ना इंटीग्रेट हो रहा है, तो अपने लोग ना बस इंटीग्रेशन का साइन लगा करके वहीं पर वैसे छोड़ देना, टाइम मत छोटा करना, सबसे पहली बात जान लो, अब
अच्छा अब ये भी नहीं यार बोलने से पहले हमको यही डेवलप कर तुम जितना इंडिकेशन में कुल साइन लगा बस ऐसे इंडिकेशन में टाइम मत छोटा करना इंटीग्रेशन का साइन लगा करके वहीं पर छोड़ देना तुम जितना काम किए हो इतने तुम्हारा नंबर वंबर आप कटने वाला नहीं इतने तुमको मिलेगा लेकिन बस जो उलझेंगे ना केवल उन्हीं के लिए आई बात समझ में हाँ बिल्कुल वो लंबा सचाएगा तो हम उनके लिए बता रहे हैं जो लोग इतनी मेहनत करने के बाद ये सोचे कि हमको एक को नंबर नहीं मिलेगा ऐसा कुछ नहीं इतनी मेहनत करने के बाद अगर तुम बाई दबे तुमसे नहीं हो रहा है तो तुम इंटीग्रेशन का साइन लगाना इसको तो बी लिख देना इसको इंटीग्रेट कर देना अरे सुनो चार टुकड़े होंगे तो चार से एक टुकड़ा तुम्हारे लिए कठिन होगा तो चार टुकड़े में से तीन टुकड़े का इंटीग्रेशन करके लिख देना जैसे इसमें तीन टुकड़े हैं एक तो बी बन जाएगा दूसरा वाला सीधे सीधे इंटीग्रेट हो रहा है इसका बवाल ही नहीं माइनस साइन नीचे आएगा प्लस होगा एक बार माइनस है किसका बवाल होगा सी वन को बाहर करना इंटीग्रेशन का साइन लगा करके एज इट इज छोड़ देना अब कर पाना तो कर डालना अब इतने प्रमाण करके चलो अगर ये सवाल पांच नंबर में छह नंबर में पूछा जाएगा तो उस एक को छोड़ने से तुम्हें भी पॉसिबल एग्जाम में तुम्हारा आधा नंबर होगा उतना बस आधा बहुत खड़ूस होगा तो एक नंबर पाएगा बहुत खड़ूस होगा अगर राक्षस से पैदा होगा तो दुर्गा और इतना कोई होता है इतना कोई ठीक अब इंटीग्रेट कर लेना हमको ये बता रहे तुम्हारी जिम्मेदारी एक लाइन हम ऐसे लिख दे रहे हैं इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस सी वन इंटीग्रेशन करते रहना भैया हम नहीं करने वाले एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स प्लस कितना सी टू बोलो कंप्लीट सोल्यूशन वाई बराबर कंप्लीट सोल्यूशन वाई बराबर कंप्लीट सोल्यूशन वाई इज इक्वल टू यू इंटू बी तो v में e की पावर x का मल्टीप्लाई करो ये कितना होता है वन अब प्लस सी वन ई टू दी पावर एक्स अंदर मत भेजना इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स प्लस सी टू ई टू दी पावर सामने इंटीग्रेशन का काम हमारे लिए होगा आए तो में जितनी जल्दी लगा उतना अच्छा है शुरू हो जाओ फटाफट
लोग लगाते रहते, जिनको नहीं आ रहा है वो लोग बोर्ड की तरफ मुखातिब हो जाए मेरे पास। बगल वाले में आना, इन पर b का डिफरेंशिएशन माइनस e की माइनस x बाहर, b का हो गया dvdx। इसके बाद b छूटेगा और e की माइनस x का फिर से माइनस के साथ प्लस e की माइनस x b, यानी कुल मिलाकर के ये होगा मेरे पास e की माइनस x d टू b dx की 2 माइनस 2 e की पावर माइनस x dvdx प्लस e टू दी पावर माइनस x b। जिनको नहीं आ रहा वो लोग नोट करें और बाकी लोग लगाते रहे जिनको आ रहा है। तो कैलकुलेशन करके आगे बढ़ के वो लोग मिला देंगे, एक बार जल्दी ना होने पाए। माइनस एक्स बी और ये रहा पार्ट एक्स।
इज इक्वल टू ये अपने पास है साइन स्क्वायर वाला फैक्टर फिर कटेगा होता है हो जाएगा। और एक काम करते हैं ए की पावर माइनस एक्स को हम उड़ाना चाहते हैं, ए की पावर माइनस एक्स फिर उड़ा रहे हैं। अब ध्यान लेना कैसे उड़ेगा, ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर माइनस एक्स, यहाँ से ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर माइनस एक्स उड़ा दिया, इसको अगर बचाए ए टू की पावर माइनस एक्स बटे ए टू की पावर माइनस एक्स, ये रहा। फिर वही काम कुल मिला के उधर डिवाइड लगा दिया, तो ये अपने पास बचा है। अब तो यहाँ पे जाना पड़ेगा यार, ये बताओ जो लोग मेरे साथ लिख रहे थे क्या यहाँ तक हो गया है, किसी का बाकी नहीं है? चलो बताते हैं, माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी वन ई टू द पावर एक्स साइन एक्स। अब इसके बाद इकट्ठा करते आओ, दिस इंप्लाइज दैट डी टू डी डी एक्स की टू, अच्छा और डी वी डी एक्स देखते कहां का है, यहां से देखना माइनस टू डी वी डी एक्स, ठीक है, और इनका हाल देखना प्लस वन माइनस कॉट एक्स साथ में कौन है डी वी डी एक्स, तो कुल मिलाकर के लिखा गया है माइनस टू प्लस वन दैट इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस माइनस को बाहर कर, माइनस को बाहर क्या वन प्लस कॉट एक्स डी वी डी एक्स, चेक करो भैया क्या यही है, माइनस बाहर वन प्लस कॉट एक्स डी वी डी एक्स यही है। बी का फैक्टर हमेशा कटेगा कटेगा, अब हम उसको कंसिडर भी नहीं कर रहे, वो कैंसिल आउट होगा, लेकिन तुम ध्यान से करना, तो बी के फैक्टर का इस्तेमाल लदार्थ मान रहे हैं वो है नहीं कहीं पर, बचा केवल और केवल मेरे पास e की पावर माइनस एक्स को ऊपर लेकर के जाओ, तो ये होगा दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x और कितना साइन स्क्वायर, बस कितना है चेक करो जिन लोगों का हो गया क्या यही आज मेरे साथ इक्वेशन यही, लेट ऊपर दिया गया इक्वेशन परिवर्तित हो जाता है, ध्यान देना इसकी जगह पर हो जाएगा अपने पास dpdx, ठीक है, और माइनस वन प्लस कॉट एक्स डी वी डी एक्स की तरफ मेरे पास कितना हो गया बी इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इक्वेशन नंबर टू, और यहीं पर ऐसे लिख दे रहे हैं लीनियर इन पी, लीनियर इन पी, ये पी में लीनियर, और पी में लीनियर तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल ए टू दी पावर इंटीग्रेशन, चलो माइनस साइन बाहर कर वन प्लस कॉट एक्स डी एक्स, वन प्लस कॉट एक्स, अच्छा अब ध्यान देना सारे लोग ध्यान दो, कॉट क्या होता है कॉट क्रॉस अपॉन साइन, कॉट कौन होता है क्रॉस अपॉन साइन, याद करो जो निचवा होता है वही लॉग के साथ पड़ता है, तो कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग ऑफ साइन एक्स का, तो ये बन जाएगा मेरे पास दिस इज इक्वल टू e टू द पावर, ध्यान देना पहले से x आएगा माइनस साइन उसको बैलेंस करा माइनस x, cot का होता है log of sin x, cot का इंटीग्रेशन log sin x बाहर का माइनस साइन, माइनस log sin x नोट करो, दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लॉग में मत रोकना,
अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर लॉग में रोकोगे तो ऊपर लॉग का कोई पचड़ा नहीं है, फंस जाओगे बेमतलब का और बाद में दिक्कत का होगा। हम इसको यहीं पर हटा रहे हैं। दिस इज इक्वल टू, सारे को ध्यान दो, इधर 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 ये लिखा गया e टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस लॉग एक्स लॉग साइन एक्स। तो हम पहले e टू द पावर माइनस एक्स को रोक रहे हैं और सुनो बगल में इनका हाल देखना। सारे लोग जिनको नहीं आ रहे लोग इधर देखें, यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये लिखा गया e टू द पावर लॉग ऑफ साइन एक्स का इनवर्स, साइन एक्स का होल इनवर्स ना कि साइन इनवर्स, ठीक। और e की पावर लॉग ऑफ समथिंग दैट इज इक्वल टू दैट समथिंग, तो यानी साइन एक्स का होल इनवर्स, साइन एक्स का होल इनवर्स नीचे आएगा अपॉन कितना, दैट्स आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस एक्स बटे साइन एक्स। माइनस वन अपॉन टेन e टू द पावर x विद इन ब्रैकेट साइन टू एक्स माइनस टू कॉस टू एक्स प्लस सी वन अपॉन टू ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी टू। और बोले दूसरा शायद वो मैच कर दे, b इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू e टू द पावर x वन अपॉन फाइव साइन टू एक्स माइनस टू कॉस एक्स प्लस सी वन वन अपॉन टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी टू। अच्छा मिला भाई, ये बताओ यहाँ तक मेरे साथ वाले लोग हो गए जो मेरे साथ चल रहे थे, हो गया चलो शुक्रिया। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू इज गिवन बाय, अभी हम ना इक्वेशन नंबर टू का सॉल्यूशन, टू का सॉल्यूशन किसमें दिया जाएगा, पी में, तो पी गुणे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, चलो लिखते हैं पी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मेरे पास कितना है ये रहा e की पावर माइनस एक्स बटे साइन एक्स, पी टू की पावर माइनस एक्स बटे साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू, क्यू कितना है ये e टू दी पावर कहाँ गया यार, e की पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये रहा e टू दी पावर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू e टू दी पावर माइनस एक्स बटे फिर अगला कौन है साइन एक्स डी एक्स, अब का सिर्फ कॉन्स्टेंट ऐड कर देना सी वन, ये बताओ एक साइन एक्स ये कैंसिल आउट ये एक बच गया रिजल्ट बाय दैट पी ई की माइनस एक्स बटे साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेबल और टेबल कितना साइन एक्स डी एक्स तब प्लस कितना सी वन सही है ना। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस कॉस यानी दिस इंप्लाइज दैट पी इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स बटे साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस ई कॉस एक्स प्लस सी वन। यहाँ से अपने लोग P निकाल लेते हैं, इज इक्वल P इज इक्वल सब लोग लिख लो, कुछ नहीं करना है, केवल जो दो लोग बैठे हैं नमूने टाइप में e की माइनस एक्स बटे साइन एक्स इनको इधर भेज दो, तो ये कितना होगा सोचो, पहले साइन एक्स का मल्टीप्लाई करो माइनस साइन एक्स इंटू कितना कॉस एक्स और प्लस सी वन साइन एक्स। अब सुनो e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड लगाओ तो ये ऊपर जाएगा e टू दी पावर x और ये हो जाएगा e टू दी पावर x, सही है गलत, ये तो वैल्यू आई p की, और p की वैल्यू अपने हैं d dx। कौन
कर का रिपीट कर लो उसको, भूल गए, इंटीग्रेशन e टू द पावर ax sin bx, इंटीग्रेशन e टू द पावर ax cos bx का दो फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन यानी हम ऊपर ही लिखवाया गया, याद आया, अरे फोटो भेजे थे ग्रुप में ना लाइक हो, तो वहां से फॉर्मूले सीधे अप्लाई करो, का रिपीट होता है, बात इसकी नहीं है, बात इसकी है कितना देर लगे इतनी जल्दी हो गए, तो वैसे ही राक्षस की तरह फैला हुआ है, इसको और रक्त बीच की तरह तुम लोग बाई पार्ट में चले जाओगे। हम पहले कहे हैं पूरे डिफरेंशियल में कहीं नहीं फंसोगे, एक जगह फंसोगे, दो जगह पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन और कहीं नहीं फंसोगे। भैया ये बताओ इनको क्यों रखा जाए, दो से गुणा दो से भाग करके साइन टू एक्स मानते हैं, दो बटे दो यानी दिस इंप्लाइज दैट डीबी इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स अपॉन टू साइन टू एक्स प्लस सी वन ई की एक्स साइन एक्स और बाहर है मेरे पास। फार्मूला यार फार्मूला इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax साइन बी एक्स इज इक्वल अपने पास होता था e टू दी पावर ax बाहर बटे a स्क्वायर प्लस कितना b स्क्वायर, ब्रैकेट में लिखना सीखो, a b पहला a इधर कौन b, पहला साइन दूसरा cos, ये कौन होगा साइन बी एक्स माइनस b cos बी एक्स, याद है साइन बी एक्स या cos या a एक्स यूज करना इस फॉर्मूले का यूज करना, यूजिंग ऐसे लिख देना यूजिंग दिस, इस फॉर्मूले का यूज करो और आप इंटीग्रेशन आसान अच्छा सारा हम ही करा दे, तुम मेहनत नहीं करोगे, फार्मूला ही भेजेंगे मैं जाके घर पे खोजना, ठीक हो गया तो डेरिवेटिव उसका डिराइव करना, बाई पार्ट भी आता है भाई आई मान करके आता है कहीं से ना ना लाए, काम करो काम, अब सब नहीं बताने वाले असलम परोस के रख दो खाली गबर गबर ले नहीं आओ, ये कंडीशन चल रही है इंटीग्रेटिव। चलो इंटीग्रेट कर बी इज इक्वल माइनस वन अपॉइंट टू को बाहर किया ब्रैकेट के अंदर, सुन भैया इधर इधर ए बराबर कितना है वन और बी बराबर कितना है, तो पहला अप्लाई करो पहले e टू दी पावर ax का मतलब ये रहेगा e टू दी पावर x और बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर ऐसे लिख रहे हैं वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर a साइन bx, a तो वन है तो इसका मतलब केवल और केवल साइन टू एक्स माइनस बी, बी कितना है टू है टू cos dx, dx का मतलब भाई 2x, ये रहा अच्छा प्लस c1 को फिर बाहर कर दो इनको इंटीग्रेट करो आपकी दोनों a और b दोनों बन बन तो e टू दी पावर x अपॉन वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में अगला होगा दोनों बन बन इसका मतलब sin x माइनस cos x
और बाहर छोड़ देना प्लस सी डी। वी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन दो दूनी चार और एक के पांच, पांच दूनी दस, माइनस वन अपॉन टेन, ए टू दी पावर एक्स ब्रैकेट में साइन टू एक्स माइनस टू कॉस टू एक्स। अच्छा इनका हाल देखना, फिर माइनस दो और दो दूनी चार, माइनस थ्री टू दी पावर एक्स अपॉन फोर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और प्लस केवल और केवल सी डी। ये बताना तो मेन इक्वेशन जो दिया गया उसका सॉल्यूशन क्या होगा, e टू द पावर x इनटू v, देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y बराबर e टू द पावर x इनटू v। भैया क्या आप मल्टीप्लाई करके लिख लोगे, कौन सा e टू द पावर माइनस x इनटू माइनस x इनटू दस बज के दस मिनट हो रहे हैं, पानी वाली पी करके आओ, शुरुआत करो पानी छुट्टी ना करें नहीं, फिर नहीं करेंगे ग्यारह दस मिनट ले लो, नहीं तो अगर हम बारह बजे पहले नहीं छोड़ देंगे। और बाहर है y इज इक्वल टू जीरो।
ये बता दिया कि इनको और इनको देख के पता चलता है कि x का अंदर, इनको देखो और इनको देखो, नीचे वाला फैक्टर सेम, cos x सेम, केवल x का, अगर हम उसमें x का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें खत्म, यानी p plus q x is equal to 0, अगला वाला टाइप हो चुका, लिखना ऐसे अपनी बात था, ऐसे p q ऐसे ही दिखा, आसान हो जाएगा, कौन लिखे बार बार p का इतना q का और प्लान किया है, clear view p plus qx is equal to 0. This implies that u is equal to x is a part of complementary function of solution. अच्छा इसको equation बनते हैं. Solution of equation one. No problem. इंटीग्रेट करने में आसान होगा ना, दोनों अलग अलग
Thank you.
टी बराबर सी वन कॉन्स्टेंट बराबर इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी वन फिर से बाहर इंटीग्रेशन कॉस एक्स वन अपॉन एक्स स्क्वायर अब प्लस एक कॉन्स्टेंट ऐड कर दो ये जो इंटीग्रेशन का अपमान एक साइन एक्स है इसको जिसे इंटीग्रेट करने के लिए आगे बढ़ोगे बाकी पार्ट में ये अपने आप जो दूसरा वाला दिख रहा है उसका नेगेटिव बनेगा और वो एक एक हो जाएगा इंटीग्रेट करो बोलो कितना आएगा वापस समझना जो लोग नहीं समझ पाए वो वापस वापस में इसको छोड़े रखना है एज़ इट इज़ इसको छोड़ देना इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान करके इंटीग्रेशन अप्लाई करो ये इंटीग्रेशन आगे बढ़ेगा अपने आप यही इंटीग्रेशन प्रोड्यूस होगा माइनस साइन तो ये और वो माइनस वाला कैंसिल आउट होगा पहला हिस्सा छूट जाएगा करो इंटीग्रेट माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स अब दूसरा बार वो नेगेटिव तो बगल वाले से जाएगा जाएगा जिसको आगे भी नहीं समझ पाए वो फिर सुने फर्स्ट सेकंड बी इज इक्वल पहला फंक्शन कितना होगा सी वन को बाहर पहला फंक्शन है वन अपॉन एक्स दूसरे का इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन कितना माइनस कॉस पहला फंक्शन दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन अब ये बताना माइनस पहले का डिफरेंशिएशन कितना माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स और पूरे का क्या इंटीग्रेशन डी एक्स और आगे कौन बैठा सी वन बैठा आई बात समझ में और ये बगल वाला हम छोड़ रहे हैं प्लस सी वन इंटीग्रेशन वाला कौन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स और प्लस कितना होगा सी दिमाग चलाना दिमाग माइनस माइनस प्लस और बाहर का क्या रहा माइनस तो ये हुआ माइनस सी वन इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स सी वन प्लस के साथ ये और ये खत्म यानी केवल मेरे पास बचा माइनस सी वन अपॉन एक्स कॉस एक्स और कितना प्लस सी टू एंड डी एफ सॉल्यूशन और गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन इज y is equal to u into v is equal to u बोले कितना आएगा u x था तो x into v यानी कि x into minus c का upon x cos x plus c two x x cancel out कर this is equal to minus c one cos x plus क्या यही आ रहा है माइनस सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू पाप में आग में दिक्कत है पूरी दिक्कत झेल करके हम पढ़ा रहे हैं
और हम गर्मी झेल रहे हैं, हमको गर्मी नहीं लग रही, हम तो पूछे हम तो ऐसे ठूसे हुए हैं अपने, हाँ तुमको गर्मी लग रही है, तुम 15 मिनट नहीं बैठ पाई, गर्मी लग रही है, चले गए। अब हमको अच्छा कहना भी है, एक तो सभी कोर्स खत्म कर दीजिए। अब ये लोग क्या चाहते हैं, मेन दिक्कत इनकी क्या है, ये चाहते हैं सभी हम साथ बोल लें, चाहे चाहे क्वेश्चन आए में है बड़ी बड़ी पढ़ा करके बंद कर। तो अच्छा ये होता अनसॉल्व में अगर किसी चैप्टर से कोई क्वेश्चन है नहीं पूछा गया है तो अगले चैप्टर में खत्म कर दो, तो बात सही है ना। वो हमको गंदगी में उतारना चाहते हैं, हम काहे उतरे यार गंदगी में, नहीं उतरेंगे। एक टीचर अगर तुम्हारे हिसाब से पढ़ाना चाहते करते ना तो व्यवस्था वैसे ही बर्बाद, तुम्हारे हिसाब से पढ़ाने के बाद तुमको सचिन चंद्र बहुत अच्छा लग रहा है, तू ही बार पढ़ा ये वाला गंदा लग रहा चैप्टर में आग लगा, ऐसे थोड़ा चलेगा। हमको याद आएगा एक दौर ऐसा ना जब ये सिचुएशन बदतर होगी, ये जान लो हम 2012 में जब हम पढ़ाना शुरू किए सिचुएशन अच्छी थी, लड़के जो आते थे उसमें एक आध दो जो थे वो नवाब आते थे, गुरजुक मार के सर कर ना वो आते थे एक आध नवाब, बाकी अच्छे आते थे, बाकी लेबोरियस 12 की बात बता 13 आया सिचुएशन ठीक ही थी, बुरी नहीं थी ठीक। 15 के बाद ये सिचुएशन ऐसी बदली हुई, 15 के बाद मतलब ज्यादा नहीं था 3 साल के बाद ये सिचुएशन ऐसी बदली है कि 3 साल के बाद जो लोग आ रहे थे वो लोग बिल्कुल पढ़ाई के नाम से कटना चालू कर दिए। 15 के बाद ये सिचुएशन बनी, उसके बाद अच्छा बात क्या थी, मेरे पास जबलपुर का लोग आते, हम गणपत साहब पढ़ा रहे थे तो गणपत साहब पढ़ाते थे तो जाहिर चलाते घर पे पढ़ने के लिए गणपत साहब वाले आते थे। अब मेरा एक पागलपन गणपत साहब पे चलता था और एक पागलपन मेरे घर पे चलता था, तो लड़के डबल बेटर मेरे पास आते थे, एक तो क्लास में बैठेगा जो पढ़ना चाहेगा नहीं तो हम क्वेश्चन बत याद देते थे वो एक काम था। उसके बाद वहां से फिल्टर होके घर में कौन आएगा जिसके अंदर थोड़ा और करेजा होगा और पढ़ने का मन होगा घर पे आएगा, लाइक तो नहीं आएगा, क्यों लोगों को लगता था अनुभव 300 रुपये में BSc पढ़ा, लोगों के लगता था 320 रुपये BSc पढ़ा रहे हैं, 300 रुपये में लखैरा भी पढ़ाएंगे वो भी पढ़ाएंगे भीड़ बटोर रहे। मेरे छोटी को हमसे कहा तो फीस कम रखो इसलिए तुम्हारे पास ना गलत लड़के भी चले जाएंगे, हमके सर यही तो आपको जाने ही नहीं, यहाँ हम आपके आगे जितना सभ्य है उतना हम पीछे जा करके बहुत दुष्ट, तो हमारे पास सभ्य लोग ही आएंगे, असभ्य तो आएगा ही नहीं क्योंकि जहर को जहर काटता है, खुद असभ्य है तो मेरे पास सभ्य ही आएगा, असभ्य वाला नहीं आएगा, जान रहे हैं ना लगिया जाएगा बिना मतलब का, नहीं आते जो आते थे पढ़ने आते हम क्या आते ना। और अगर एक आध दिन कौन आ गया गड़बड़ सड़ ना इतना प्रेशर में रखते थे कि अपने आप फट जाता चला जाता कल से नहीं आएगा कल से नहीं आएगा, ये सिचुएशन होती थी। हम व्यवस्था को सुधारेंगे, सुधारने का मतलब मेरे पास जो आया पढ़ने आया तो मुझको अच्छी लगी, फिर हम 3 साल के लिए मार्केट से गए 17 के बाद से 18 गए हो गए 19 गए हो गए 20 गए 3 साल के लिए हम गए, 3 साल में जिसको जिसको हम पढ़ाए थे वो लोग पास आउट होकर के निकल गए, मेरी बैच खत्म, मेरा खाली नाम रह गया एक पागल था, मेरा ना नाम कहते हैं लड़के का एक पागल था नाम रह गया, जो पढ़े हुए थे वो बाहर निकलने के बाद जब यहाँ पर देखे कि सिचुएशन कितनी बदतर है तो उनको लगा वो पागलपन सही था, उनको लगा फिर जब हम पढ़ाना शुरू किए मेरे भैया लोग मेरे पास, हम पढ़ाने के फोन नहीं थे BSc बिल्कुल, भैया लोग मेरे पास आए चलो आप छोड़ कर खाली बैठे चलो फिर पढ़ा देते हैं, अपने पास गॉड गिफ्टेड मिला मिला है एक तो ठीक है लग गए पढ़ाने के लिए लग गए, विडम्बना ये है अब मेरी छटनी से तो लड़के आ नहीं रहे, या तो हम किसी कॉलेज में पागलपन दिखाते हो तो लड़कों को पहले वहाँ सुधारते फिर मेरे पास आते, अभी क्या है अभी किनारी से चुपड़ के भैया लोग पढ़ा रहे हैं ज़्यादा सीनियर वाले ना इनके छटनी वाले आ रहे हैं मेरे पास, तो जब इनके छटनी वाले आए तो ये है दहू दहू करके पढ़ाने वाले, स्पष्ट बात हो ये दहू दहू करके पढ़ाएंगे क्योंकि इनको भीड़ चाहिए पैसा चाहिए, सवाल ये पैसा प्राइमरी जिस दिन हो गया उस दिन टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिस्पेक्ट वाला पर्दा खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, टीचर को ये प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी कि स्टूडेंट सामने बैठा है तो सीखने के लिए बैठे, टीचर सीखने के नाम पे पीछे हट गया, वो क्या किया थ्योरी बताना चालू किया न्यूमेरिकल से पीछे हट गया एप्लीकेशन से पीछे हटा, ये टीचर की पहली कमी है, लेबोरियस होना सबसे पहली आपके पास रिक्वायरमेंट होती है, अगर आप वही नहीं हो तो आपकी उसमें और वो गलतियाँ टीचर से स्टूडेंट में घर करी तो क्योंकि शॉर्ट नोट मिलनी चालू हुई शॉर्ट नोट अभी अभी यही हम चाहें तो बस बिल्कुल हम हर चैप्टर में केवल और केवल 2 वैरायटी का न्यूमेरिकल बताएं कहते बाकी एज यूजुअल लगेगा क्योंकि सब एक जैसा लग रहा लेकिन फर्स्ट कौन रहा है सोचो पूरे फर्स्ट कौन रहा है डिफरेंशियल क्योंकि सबसे आसान है उसमें इंटीग्रेशन फंसेगा वैरायटी में इंटीग्रेशन आकर के फंसेगा वो भी हम ना बताएं 18 सवाल है लोग गलत कहते हैं 18 सवाल है तो 10 सवाल की जिम्मेदारी टीचर की 8 सवाल की एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस
यहाँ लोग क्या करते हैं 18 साल में सर जी दूर तो लगा दीजिए पार्टी नहीं पार्टी आप सर जी लगा देते और सर जी चले गए। आप सर जी नहीं लाइक सर जी लड़कों के हिसाब से अरे वो सब कितना कहना मानते हैं कितने अच्छे सर हैं अरे वो कितने कुकुर हैं कहना नहीं मानते। अब वो चाहते मेरा थर्ड ईयर चाहता है मेरा थर्ड ईयर बहुत साफ बोल मेरा थर्ड ईयर चाहता है हम उसकी गंदगी में उतर जाए हम नहीं उतरेंगे। अगर हम यहाँ एनालिटिक कंटिन्यूएशन शुरू करेंगे तो एनालिटिक कंटिन्यूएशन का हम 6 मिलकर लगाएंगे हम इंटीग्रेशन शुरू करेंगे तो हम एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन शुरू करेंगे तो हम उसके 10 मिलकर लगाएंगे। हम उस गंदगी में जिस दिन चले गए कि 2 मिलकर लगाएंगे ना उस दिन अपने बढ़ोती गाँव तक उस कंडीशन में पहुंच जाएंगे जब हम एक कुर्सी पर बैठ करके पेपर खोलो जाना बताते हैं हम वैसे आ जाए माइनस एक्स स्क्वायर डीवी डी एक्स ना डी वाई डी एक्स
एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर बी माइनस एक्स स्क्वायर बी माइनस एक्स क्यूब डी बी डी एक्स इसके बाद प्लस एक्स वाई यानी प्लस एक्स इंटू वाई कितना है एक्स स्क्वायर बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर बी इज इक्वल टू केवल और केवल कितना एक्स सब भैया एक एक्स उड़ाना चालू करो दिस इंप्लाइज दैट डी टू बी डी एक्स की टू ये रहा ध्यान देना एक्स उड़ा चुके हैं पहले तो एक एक्स यहाँ से ये हो गया टू अपॉन एक्स डी बी डी एक्स और माइनस एक्स क्यूब डी बी डी एक्स तो प्लस टू अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी बी डी एक्स सही है गलत एक्स से डिवाइड लगाया है तो एक्स से डिवाइड लगाया तो ये तो हो गया डी टू बी डी एक्स यहाँ एक्स से डिवाइड लगा टू बाई एक्स होगा तो देखो टू बाई एक्स डी बी डी एक्स यहाँ एक्स से डिवाइड लगा माइनस एक्स स्क्वायर डी बी डी एक्स अब उधर एक्स से डिवाइड लगाया तो उधर कितना आपका चेक करो क्या सबका यही आ रहा है मेरे ख्याल से सही है विच इज लीनियर इन आप अपने को डी बी डी एक्स को क्यूब रखना dvdx is equal to q implies that d to v dx d2 is equal to dq dx क्या इधर का सबका हो गया बाकी है इधर बाकी है किसी का बाकी है कोई नहीं ये इक्वेशन बन जाएगा देखते हैं क्या ये होगा टी क्यू डी एक्स टी क्यू डी एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और टी वी डी एक्स जगह पर कितना होगा क्यू इज इक्वल टू लीनियर लीनियर इन क्यू इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर टू जानते हो लीनियर के लिए क्या निकाला जाए इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल ई टू द पावर इंटीग्रेशन 2 अपॉन x माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू ई की पावर 2 बाय x का इंटीग्रेशन log x स्क्वायर और x स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 तो माइनस x क्यूब अपॉन 3 एक काम करते हैं दो हिस्से में तोड़ते हैं दिस इज इक्वल टू e to the power log x square का मतलब हुआ केवल केवल x square into e की पावर माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेक करो क्या मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही आया है मेरे कैलकुलेशन में शक है चेक करो सही है आगे आओ थोड़ा हां नोट करो फिर आगे चलेंगे पूरा मतलब 210 घंटे आपके बीच चुके 210 घंटे बीच चुका पता है 210 घंटे में मेरा थर्ड ईयर जो मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है
मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क। जो आदमी सुबह से शाम तक लोगों को पढ़ा रहा है, एक्स्ट्रा क्लास लेकर, उस थर्ड ईयर का आलम ये है कि इस 210 घंटे में सिर्फ और सिर्फ दो लड़कियां जिन्होंने उस वीडियो लेक्चर में, एक ने पूरा 5 का 5 कंप्लीट कर लिया और एक ने 4 कंप्लीट कर लिया, एक बार बाकी जितने महाराज और महारानियां जितने भी थर्ड ईयर, उन सबकी सिचुएशन ये है वो अभी एक एक वीडियो लेक्चर कंप्लीट, क्या एक एक क्या तकलीफ वाली बात होगी। 210 घंटे में या 10 घंटे के लेक्चर में केवल एक लेक्चर कंप्लीट किया, और मुझसे उम्मीद क्या है, मुझसे उम्मीद यह है कि अनुभव सर 3 घंटे की क्लास ना ही पूरी फॉर्म कर दो, धुआं धुआं कर दो, गंगा पास से कुछ चलाए कहानी ये पढ़ो। तो भैया ये मनोज वाजपेयी नहीं कर सकते, इतना बम मारेंगे लाकर धुआं धुआं, अब तो ऐसा पेपर सेट हो जाएगा कि सही धुआं धुआं काम से निकल आएगा। पढ़ना नहीं है बस, खाली ड्रामा है। कहाँ भाई, कहाँ गलत हुआ क्या? चलो लिखना, बात सुनो ये दिलाना, तो आपको इक्वेशन नंबर 2 का सोल्यूशन मिलेगा। डियर फोर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 कितना होता था, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू में माने थे ना, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब क्यू इंटू एक्स स्क्वायर e to the power minus x cube upon 3 is equal to कितना था, इंटीग्रेशन क्यू डी एस ना, क्यू कितना है 1, तो इंटीग्रेशन 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर e to the power minus x cube upon 3 डी एक्स और प्लस एक कॉन्स्टेंट ऐड कर दो, c1 या c2, c1 c1 ऐड, पहला कॉन्स्टेंट c1, मेरे ख्याल से इंटीग्रेट कर सकते हो आसानी से, वो जो ऊपर वाला x क्यूब बाई 3 है उसी को कुछ मान लो, x क्यूब बाई 3 को क्या मान लो, देखना यहीं पर लगा दे रहे हैं, अगर हम कहें लेट x क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू t, तो मेरे को मिलता है यहाँ से t 3 कैंसिल आउट हुआ, x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया dt, तो ये इंटीग्रेशन बनेगा इंटीग्रेशन x स्क्वायर डी एक्स की जगह पर कितना हुआ dt, और ये हो गया e टू दी पावर माइनस t, सही, और इसका इंटीग्रेशन अगर दिस इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस t, यानी कि दिस इज इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई, बस इतना ठीक है, आया क्यू एक्स स्क्वायर e टू की पावर माइनस रो कच्ची रो लगा दे इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस इतना c1। क्या इंटीग्रेशन किया गया है सामने देख लो, q क्या माने थे dvdx, तो q की जगह वापस dvdx को जिंदा करो, तो डिवाइड हो गया, डिवाइड करो, दिस इंप्लाइज दैट q इज इक्वल टू, सुन भैया आप डिवाइड करोगे तो नीचे बनेगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट होगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस अगला होगा सी वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और एक काम करो ना इनको ऊपर चढ़ा लो, ई टू दी पावर एक्स क्यूब अपॉन, अब क्यू की वैल्यू रखो dvdx, dvdx is equal to minus 1 upon x square plus c1 upon x square e to the power x cube upon, सब को पता है वेरिएबल से ट्रिपल अप्लाई हो सकता है, वेरिएबल से ट्रिपल अप्लाई करो इंटीग्रेट करो आंसर, फाइंड दैट dv is equal to minus 1 upon x square dx plus काम नहीं है, आप आंसर लिखने का मैसेज,
इंडिकेटिंग इट बी इज इक्वल टू पहले वाले का फॉर्मूला है सब लिखाओ माइनस टू पर कितना वन अपॉन एक्स प्लस सी वन इंटीग्रेशन वन अपॉन मतलब इसको माइनस टू थ्री एक्स टू अपॉन थ्री डी एक्स और प्लस कितना सी टू डी एफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इज वाई बराबर क्या था यू इंटू वी यू क्या था एक्स का एक्स इंटू इंटीग्रेट करो ग्रुप पता है दोनों लोगों का सब लोग जिनका आएगा वो ग्रुप में अपलोड करना बाकी लोग देखेंगे कैसे नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है इसका मतलब कुछ तो कमी है भैया मेरे अगर हम आंसर बता दिए तुम लोग ज्यादा अक्लमंद हो हम बता रहे हैं आंसर वा बता रहे पूरे आंसर में से एक्स को निकाल दो इंटीग्रेशन वाला तो दिख रहा जहाँ बैठे हो ना जो आए उल्टा डिफरेंशिएट करना तब आएगा लेकिन ऐसे ऐसे है ना समझ करने के बाद जो आंसर आता है उसका पुनः डिफरेंशिएशन करने को नहीं आता है इतनी दूर तक हम इंटीग्रेशन खुद से करते आए सोचो पूरे के पूरे जब टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट वाले इस पे हम लोग चल रहे थे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन अभी पार्शियल नहीं थे हम लगातार इंटीग्रेशन बताते हैं एक इंटीग्रेशन छोड़े नहीं इस चैप्टर में हम मूड बनाए हुए थे इसमें तो इंटीग्रेशन तुम्हारे ही झोली में खूब के यार सॉल्व
दो बार पास, केवल दो बार पास, नहीं
वो तो अकस्मात वाली बात है, वो तो शामिल है। या तो अकस्मात ऐसी कोई बात हो जाए जिसको संभाला नहीं जा सकता, और या तो मेरा मूड खराब हो जाए, इसके अलावा ये तो अकस्मात जो बात है वो संभाली नहीं जा सकती। लाइट का चला जाना, भूकंप का आ जाना, चलो देखो आगे हड़ी नेक्स्ट टाइम रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा इसका एक नाम और, चाहे तो इसको बोला जाता है रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव, और चाहे इसी का दूसरा नाम होता है रिडक्शन टू द नॉर्मल फॉर्म। जब आप पहला डेरिवेटिव रिमूव कर देते हो तो प्राप्त का बचा आता है, उस फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म कहा जाता है। तो ये दो नाम को पूछा जाता है, या तो आपको कह दिया जाएगा रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव, या तो कह दिया जाएगा आफ्टर चेंज इन द नॉर्मल फॉर्म। अगर उसने कह दिया आपको चेंज इन द नॉर्मल फॉर्म, रिड्यूस इन द नॉर्मल फॉर्म, तो इसका मतलब है कि आपको फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या करना है, एलिमिनेट कर देना है या खत्म कर देना है। ब्रैकेट में लिख देना रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म, रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म, रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म। हम ये सोचते हैं कि अगर हमने एक दिन ऐसा किया शायद मेरी आदत पड़ जाए, फिर जिस दिन लापरवाही हो मेरे अंदर में, नहीं पढ़ाने का मूड कहेगा, हम दो घंटे के एक्स्ट्रा क्लास का एक घंटा हो जाएंगे, मुझसे बड़ा इमरजेंसी काम आ गया, छोड़ दो। तो इसीलिए ना अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है, जैसे कहते हैं ना दाल की लत लग गई छोड़ना बड़ा मुश्किल है, कोल्ड ड्रिंक की लत लग गई छोड़ना बहुत मुश्किल है। लिखना लैंग्वेज लिखो, हम बोल रहे हैं लैंग्वेज लिखो, बोले दिस मेथड, लैंग्वेज लिखना दिस मेथड यूज, दिस मेथड यूज, इस मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा, दिस मेथड यूज व्हेन वी आर अनेबल, अनेबल असमर्थ होना, दिस मेथड यूज व्हेन We are unable, U N A B L E, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेगा, अनाबल मत लिखना, कोई अनाबल नहीं लिखेगा। This method used when we are unable to obtain, used, क्या used, this method used, used के लिए used. हम बोले हैं दिस मेथड यूज व्हेन वी आर अनेबल, ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है जब हम असमर्थ होते हैं क्या फाइंड आउट करने में, यू को फाइंड आउट करने में। आई बात समझ में, हाँ देखो दिस मेथड यूज व्हेन वी आर अनेबल टू ऑब्टेन अ पार्ट ऑफ सीएफ, व्हेन वी आर अनेबल टू ऑब्टेन a part of CF, a part of CF of the solution of differential equation, a part of CF of the solution of differential equation, differential equation के solution का जो complementary function होता है, जब उसके integral part को निकालने का मेरे पास तरीका नहीं होता, तरीका मतलब यही जो table बनाए हुए थे, अगर ये table काम नहीं करती है, ऐसे लोग नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब अब मेरे पास एक तरीका है, हम इस मेथड का इस्तेमाल करें जिसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, या इसी को कहा जाता है रिडक्शन टू द नॉर्मल फॉर्म। पढ़ी जाना बल्कि काम करने का तरीका, सबसे पहले वर्किंग रूल में तो वही बात आएगी, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, बात
पहला काम जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहला काम है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। पहला पुट द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, वर्किंग ग्रुप में पहली बात लिखा पुट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म in which the coefficient of d2y dx ki 2 must be unity, must be unity. हम लोग डी वाई डी एक्स क्या पाएंगे यहाँ से बोलो डी वाई डी एक्स इज इक्वल बोलो क्या मिलेगा यू इंटू डी बी डी एक्स प्लस अगला डी इंटू ये मिलेगा तो डी टू यू डी एक्स टू क्या मिलेगा डी टू वाई डी एक्स डी टू इज इक्वल टू यू इंटू डी टू बी डी एक्स डी टू और प्लस अगला कौन डी यू डी एक्स और डी बी डी एक्स आया ना पहले बात अब इनका प्लस डी इंटू डी टू यू डी एक्स की टू और प्लस डी यू डी एक्स छूटेगा और डी बी डी एक्स इसका मतलब अपने को मिलेगा दिस इज इक्वल टू यू डी टू बी डी एक्स की टू और फिर कितना प्लस टू डी यू डी एक्स इंटू डी बी डी एक्स और फिर प्लस डी इंटू डी टू यू जो यू आज तक मुझको नहीं पता था ना वो यू यहाँ से सॉल्व करने पर निकलेगा और वो यू कौन होगा टी टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग होगा तो उसी को कौन होगा कैसे लिखा जाता है उसको दिखा रहे मैकेनिज्म के थ्रू लाइक बाद में कहूँ खाली रटना हाथ पहला काम हम लोग करते हैं अपनी मर्जी से y बराबर u इंटू v मान लेते हैं माना ये सॉल्यूशन है तो आप ये बात है dy dx चेंज होगा d2y dx2 चेंज होगा अब इनको जरा अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रखें जो ये हमको दिया गया है तो कुछ ये इक्वेशन बदल क्या करेगा सारे लोग ये वाली लाइन लिख चुके हो ना हम इसको मिटा रहे हैं मैकेनिज्म के लिए जरा वैल्यू देखो क्या आएगा वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी जगह पर आएगा u into d2 v dx e2 plus 2 du dx dv dx plus v into d2 u और कितना dx e2 सही plus v into dy dx बोल भैया v into dy dx v u और कितना dv dx और plus v
पी इंटू वी डी यू डी एस सारे लोग इधर कंसंट्रेट करो क्या हो ना आपस में प्लस अभी बाद में फिर ना होगा जैसे मुंबाओगे सारे वाई यू इंटू वी एस इक्वल टू कितना हो गया यहाँ तक पहुँचे क्या ये फिर से हम लोग इसको इधर दो जोड़ जोड़ करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं किस में जाते थे टी टू वी डी एस टू में जाते लेकर क्या इसको डी टू बी डी एस टू में बैलेंस हो जाएगा अगर इसको डी टू बी डी एस टू में बैलेंस करें तो देखो क्या बनेगा ये बनेगा यू इंटू डी टू बी डी एक्स की टू अब मैं डी बी डी एक्स का टर्म बनता है डी बी डी एक्स का और डी बी क्या सुनो डी बी डी एक्स डी बी डी एक्स और कहीं पर है नहीं पर तो डीबीडी एक्स को बाहर कर तो प्लस ब्रैकेट के अंदर में लिखना टू डी यू डी एक्स प्लस पी यू और बाहर निकाल दिया डी बी डी एक्स जैसा बाहर अच्छा ये बताना ये बी हुआ वो डीबीडी एक्स हुआ तो अपना बी वाला टर्म होगा आओ बी वाला या जो बचा उनको लिखना दे देंगे प्लस बी वाले टर्म लिखना कहाँ कहाँ पर बी है चेक कर देंगे ये है और कहाँ पर ये है और ये है और कहीं पर है नहीं तो बी को कॉमन कर देखो अंदर में क्या बचा डी टू यू डी एक्स बी टू बचा और प्लस पी इंटू यू बचा और फिर कितना बचा प्लस क्यू इंटू क्यू और बाहर आया बी इज इक्वल टू क्या टन यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो छोटा क्या हो चुका है प्लस पी यू कौन सा अच्छा पी टू बी और टी यू डी एस अच्छा ये टी यू डी एस बाकी जो बच्चे उनको लिखा बाकी भी बात तो ये डी टू यू डी एक्स टू ये रहा और कौन है प्लस डी डी यू डी एक्स प्लस क्यू यू और बाहर कौन बेसिक पर यहाँ कौन सकते हैं इससे बात ये बताओ अच्छा कितने देर पहुँच गए सुनो अब वापस आना पास सुनना पूरे का नाम क्या है इस पूरी हेडिंग का नाम क्या है रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव यही तो नाम है मतलब अपने को पहला डेरिवेटिव रिमूव करना पहला डेरिवेटिव कौन डीवीडी अगर मुझको पहला डेरिवेटिव रिमूव करना है दिमाग चलाना अगर मुझको पहला डेरिवेटिव रिमूव करना है तो चॉइस ऐसी होनी चाहिए कि ये पूरा जीरो बन जाए आया ना यही तो होना चाहिए इट मींस इफ वी वांट रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव इट मींस 2 डी यू डी एक्स प्लस 3 यू इज इक्वल टू क्या हो जाए जीरो और इसके जीरो होने से मजेदार बात देखना क्या बनेगा ये अपने को देगा कि 2 क्या रहा है ना वीडियो में क्या रहा है 2 डी यू डी एक्स प्लस डी यू इज इक्वल टू कितना जीरो सही है गलत क्या ये यू में लीनियर है कि नहीं और अगर ये यू में लीनियर है तो तुमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल सकता है यहाँ से कोई मुझको पता है यू बराबर क्या यू बराबर सोच करके जवाब देना रुको एक गड़बड़ी है एक गड़बड़ी है कोई ध्यान नहीं दिया हमने क्या जाता है एक गड़बड़ी है एक गड़बड़ी है यू से डिवाइड नहीं लगा यू से डिवाइड नहीं लगा यू से डिवाइड नहीं लगा गड़बड़ी करना सर से सलाह करें You attack the human beings as individuals.
को कॉमन किए थे। सुनो ये यू को कॉमन निकाला, ध्यान देना, यू कॉमन करेंगे तो यहाँ से यू बाहर आएगा, ये बनेगा टू अपॉन यू। अब फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव करने का मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे फैक्टर को जीरो, ये पूरा फैक्टर जीरो होगा मेरे पास आएगा, इसके जीरो होने का मतलब है कि टू अपॉन यू क्या ये यू में लीनियर है? क्या ये यू में लीनियर है? और क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है? क्या वेरिएबल सेपरेबल से या किसी भी तरीके सॉल्व किया जा सकता है? वेरिएबल सेपरेबल से। अगर इसको वेरिएबल से पेपर से सॉल्व करें, रफ पर कैलकुलेट करके बोलो क्या मिलेगा, रफ पर कैलकुलेट करके बोलो मुझको यू चाहिए, मेरा मोटिव यू का है, क्या यहाँ से यू निकल सकता है? ई टू द पावर माइनस बी बाई टू, यही मेरा कौन बना क्यू। अब सुनो पूरे मैकेनिज्म को यही है, ये पूरा मैकेनिज्म है, यहाँ से मुझको पता चल रहा है कि अगर हमको यहाँ से यू निकालना हो तो अब हम यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करेंगे और यहाँ से मुझको यू जो मिलेगा वो ई की पावर में मिलेगा, ठीक, और इसी यू की मुझको तलाश है। तो वर्किंग रूल में ये सारा पचड़ा लिखा नहीं जाता, वर्किंग रूल में उसी यू को सीधे लगा दिया जाता है कि बी टेक यू इज इक्वल टू ई की पावर दिस। आई बात समझ में? क्या हम आप चले वर्किंग रूल पे? आप समझ में आया जो यू हम लिखने जा रहे हैं वो कहाँ से आएगा? सहमत हो इस बात से? काम तो है वर्किंग रूल में, सेकंड पॉइंट लिखो टू रिमूव फर्स्ट डेरिवेटिव, टू रिमूव फर्स्ट डेरिवेटिव, जो आपका पहला डेरिवेटिव है उसको रिमूव करने के लिए वी चूज, हम सेलेक्ट करते हैं वी चूज यू इज इक्वल टू वी टू द पावर माइनस वन अपॉन टू इंटीग्रेशन पी डी एस, ये दैट्स आवर यू, यही चुना। क्या तुमको न्यूमेरिकल में पी पता होगा? कन्वर्ट करके पी पता लगे, अब पी पता लग गया तो क्या तुमको यू की पावर ई की माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन, सॉरी यू इज इक्वल टू ई की माइनस वन बाई टू इंटीग्रेशन पी डी एस कैलकुलेट हो जाएगा, यू मिल गया, पहुंच गया अंतर वाले रास्ते, एक बार यू मिला मेरा काम आसान। अब अगला काम बोलो, अगला सोल्यूशन क्या अज्यूम करोगे? वाई बराबर यू इनको लिखना, थर्ड पॉइंट, नाउ अज्यूम दैट, थर्ड नाउ अज्यूम दैट, नाउ अज्यूम दैट कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज, y is equal to u into v. अब तुमने फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव कर दिया, जब तुमने फर्स्ट डेरिवेटिव रिमूव कर दिया, ये बताओ अभी जब मैकेनिज्म चला रहे थे तो लास्ट में लिखा गया इक्वेशन d2 by dx2 में नहीं था, वो किसमें था? d2 v dx2 में था, और जब वो d2 v dx2 में था तो अगर लास्ट का इक्वेशन याद हो तो लास्ट के इक्वेशन में u इंटू d2 v dx की 2 था,
उसके बाद प्लस यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव वाला टर्म था डी वी डी एक्स था और प्लस यहाँ पर कैपिटल क्यू जो भी था बराबर कैपिटल आसन की उसका था ये बी के साथ का पैटर्न यू वी जो भी रहा। ये बताओ जब तुमने यू को इतना माना तो फर्स्ट डेरिवेटिव का टर्म ही पूरा खत्म हो गया। जब ये पूरा टर्म खत्म हो गया तो तुम्हारा इक्वेशन अब डी टू वी डी एक्स टू के टर्म में लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा डी टू वी डी एक्स उसका स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा किस स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। Then given equation reduces to इतना सब करने के बाद then given equation reduces to तब दिया गया equation पलट जाएगा किसमें डी टू बी डी एक्स पी टू प्लस कैपिटल एक्स इंटू बी इज इक्वल टू कैपिटल वाई बता रहे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कौन है वो बता रहे ये शॉर्टकट में लिखा गया जबकि जब पूरा मटेरियल सॉल्व करके रखोगे ना तो तुमको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई अपने आप नजर आएगा हाई का वेयर जहां पर ऊपर लिखेंगे वेयर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू था क्यू माइनस वन अपॉन टू डीपीडीएक्स माइनस वन अपॉन फोर बी स्क्वायर ये रहा और वाई जो आपका होगा वो होगा कैपिटल आर अपॉन ये स्टैंडर्ड फॉर्म सुनो मैं कह रहा था पूरा सॉल्व करूँ ना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म तुमको मिलेगा हम तुमको पहले ही लिख करके दिखा दें जो मैकेनिज्म जहाँ तक पहुँचाए थे वहाँ तक का हिस्सा समझ में आए उसके बाद तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव खत्म हो जाता फर्स्ट डेरिवेटिव खत्म होने के बाद तुम मान लेते वाई बराबर यू टू बी मेरा सोल्यूशन अब उसके बाद जब आप सब्स्टिट्यूशन करते वहां पर तो तुम्हारा पूरा इक्वेशन फिर ट्रांसफॉर्म होता लेकिन अब वो वाई में ना जाता अब वो डी टू बी डी एक्स टू में जाता उसमें क्यू शामिल होता पी शामिल होता आर शामिल होता और वो पूरा बदल करके तुमको दिखता सोचो क्या दिखता वो नजर आता डी टू बी डी एक्स टू प्लस क्यू माइनस वन अपॉइंट टू डी पी डी एक्स इंटू बी नहीं माइनस वन अपॉइंट फोर पी स्क्वायर अपॉन अपॉन बी इज इक्वल टू आर अपॉन ये नजर आता उसी को ये लिख दिया और इसको पता क्या करते हैं इसी को नॉर्मल फॉर्म इसी को नॉर्मल फॉर्म लिखा If capital X takes two special cases, if
कैपिटल एक्स टेक टू स्पेशल केसेस, वापस लिखना, लिखा गया है डी टू बी डी एक्स टू प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कैपिटल वाई कैन बी सॉल्व इजिली इफ एक्स टेक्स टू स्पेशल केसेस। अगर अगर आपका ये जो x लिखा गया है, x कौन है, ये सामने है q माइनस वन बाई टू डी पी डी एक्स माइनस वन अपॉन फोर पी स्क्वायर, अगर ये दो स्पेशल केस में चला जाता है तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। दोनों स्पेशल केस कौन कौन से, पहला पूछा कैपिटल ए, ये बताओ पहला केस तो यही है, ये बेचारा कॉन्स्टेंट बन जाए पूरा का पूरा, आप क्यू रखो डी पी डी एक्स रखो पी रखो कट पिट करके ये पूरा का पूरा एक कॉन्स्टेंट में चेंज हो जाए, लिखना when पहला केस when x is equal to constant, when x is equal to constant, x constant हो गया मजा देखो क्या आया, सुनो डी टू डी डी एक्स के आगे क्या लगा, ये क्या हो गया कॉन्स्टेंट, ये तो हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशियंट। अब सॉल्व हो सकता है कि नहीं, मतलब जैसे ही x कांस्टेंट बनेगा आवर इक्वेशन रिड्यूसेस टू द डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, और हम आसानी से सॉल्व करना जानते हैं, लिखना इसी बात को, क्या लिखा गया व्हेन x इज इक्वल टू कांस्टेंट देन रिजल्टिंग इक्वेशन, देन रिजल्टिंग इक्वेशन, देन रिजल्टिंग इक्वेशन बीइंग, देन रिजल्टिंग इक्वेशन बीइंग विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, then resulting equation being with constant coefficient, जो आपका equation है वो constant coefficient में change हो जाएगा। पहला हुआ b, लिखना b, b when अगर ऐसा हुआ x is equal to constant upon x square बन जाए small x square, when x is equal to constant upon x square, अब पता है अब ये जो होगा रिड्यूसेस टू अभी नहीं रिड्यूसेस टू कांस्टेंट अपॉन x स्क्वायर देन रिजल्टिंग इक्वेशन, देन रिजल्टिंग इक्वेशन रिड्यूसेस टू होमोजीनियस, देन रिजल्टिंग इक्वेशन रिड्यूसेस टू होमोजीनियस फॉर, देन रिजल्टिंग इक्वेशन रिड्यूसेस टू होमोजीनियस फॉर, वर्किंग ग्रुप में तीन पॉइंट हुए थे ना, वर्किंग रूल में तीन हुए थे और इसके बाद नोट लगाए थे वर्किंग रूल का चौथा और लास्ट पॉइंट, एक बार तुमको यू मिल गया तो इससे सॉल्व करके क्या तुम अब बी को फाइंड आउट कर सकते हो, और बी मिल गया तो सॉल्यूशन होगा वाई बराबर यू इनटू डी, ये लास्ट लाइन लिख देना, आफ्टर गेटिंग बी, आफ्टर गेटिंग बी, आफ्टर गेटिंग बी द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, आफ्टर गेटिंग बी बी the complete solution is y बराबर u into v, the complete solution is y बराबर u into v, ठीक है, ये इसका वर्किंग रूल, ये इसका वर्किंग रूल, ठीक है। सुनो आप कल कॉपी डिफरेंशियल इक्वेशन की अपनी बैग में रखे रहना और कैटनरी जरूर लेकर के आना, तब मेन मोटिव होगा कैटनरी पढ़ाने का, लास्ट में आधे वाले घंटे में इसके न्यूमेरिकल लेकर इलाम दे दिए जाएंगे, अभी तो फिजिक्स चलेगी ना।